कैनेडा स्टडी वीज़ा नॉन एसटीएस कैटेगरी जनरल कैटेगरी पीटी पर जो हम फाइल लगाते हैं या फिर एसटीएस कैटेगरी आपके 7 बैंड है E6 है, किस केस में आपके अच्छे वीज़ा चांसेस हैं कनाडा में अगर आप अप्लाई करते हो, या फिर आपने ऑलरेडी अप्लाई कर रख चुका है, आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपके वीज़ा के चांसेस कितने हैं। ये इसका कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं है कि किस कैटेगरी में अच्छे वीज़ा चांसेस हैं। अगर हम देखें नॉन एसटीएस में भी वीज़ा आता है, अगर हम देखें एसटीएस में भी वीज़ा आता है, नॉन एसटीएस में भी रिजेक्शन आती है, एसटीएस में भी वीज़ा एसटीएस में भी रिजेक्शन आती है। ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है जिसमें हमें रिजेक्शन नहीं देखने को मिलेगी। मेन बात है आपकी प्रोफाइल पर, आपकी प्रोफाइल वीज़ा ऑफिसर के सामने कैसे रिप्रेजेंट की गई है। आपकी SOP में जो वीज़ा ऑफिसर के करंटली कंसर्न्स होते हैं कि आपने उसमें बेटर एक्सप्लेनेशन दी है। आपकी SOP है वीज़ा ऑफिसर के सामने आपने रखी, आप स्टडी वीज़ा पे अप्लाई कर रहे हो, नो मैटर कि आपकी चाहे नॉन एसटीएस चाहे एसटीएस है, आपने वीज़ा ऑफिसर के सामने अपनी एक एप्लीकेशन रखी है एंड वहाँ पर आपने शो किया है कि आप बिजनेस प्रोग्राम कनाडा में करने जा रहे हो। एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, बिजनेस प्रोग्राम आप कनाडा में करने जा रहे हो एंड उसमें बताया कि आपका ड्रीम है कनाडा में स्टडी करने का, या फिर आप कह सकते हो बेनिफिशियल है। आप बता रहे हो कि आपका 2 साल का अंडर ग्रेजुएट बिजनेस का प्रोग्राम है, +2 के बाद आप जा रहे हो, उसमें आपको पता है कि आपका 30-35 लाख इन्वेस्टमेंट है कनाडा में अगर आप ये प्रोग्राम करोगे। वही सेम प्रोग्राम आपका इंडिया में 50-60 हज़ार में हो जाएगा, चलो 1 लाख पे हो जाएगा, क्यों आप इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। वीज़ा ऑफिसर का पहला कंसर्न, क्या आपने उसकी एक्सप्लेनेशन अपनी एसओपी में दी है। चलो ठीक है, वीज़ा ऑफिसर इस पॉइंट पे कन्विंस हो गया, आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया उसको। मोर ओवर अगर आप 25-30 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो कनाडा पे पर्टिकुलर प्रोग्राम पे, बिजनेस का प्रोग्राम है, उसके बाद क्या आपने वीज़ा ऑफिसर को बताया है कि जब आप एक कनाडा से इंडिया वापस आओगे तब आपकी सैलरी क्या होगी, क्या जॉब डेजिग्नेशन होगी, आपने क्या रिसर्च की है, कितनी रिसर्च करके आप कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे हो कि आपकी सैलरी क्या होगी, जो आप 25-30 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो आप कितने टाइम में रिकवर कर लोगे इसको, क्या आपने ये चीज़ें बताई है अपने वीज़ा ऑफिसर को। अगर तो आपकी एप्लीकेशन में वीज़ा ऑफिसर के सारे कंसर्न्स की एक्सप्लेनेशन पड़ी है देन आपका वीज़ा आ जाएगा। अगर नहीं पड़ी देन उसको मौका मिल गया, उसका क्वेश्चन रेज हो गया, उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं पड़ी देन आपका रिएक्शन हो सकती है। फॉर एग्जांपल वीज़ा ऑफिसर का कंसर्न है कि आपने +2 के बाद बिजनेस प्रोग्राम ही क्यों चूज़ किया, चलो जे भी आपने कन्विंस कर दिया, या फिर उसके बाद आप बोल रहे हो कि जो 20-25 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो उसका फाइनेंशियल कितना है आपके पास, आपने नॉन एसटीएस में फाइल लगाई है, आपने आपके पास कितना, आपकी फैमिली कितनी वेल सेटल है इंडिया में या फिर कितनी स्टेबल है, आपको कितना सपोर्ट कर सकती है। अगर आपने SOP में उसकी एक्सप्लेनेशन दी है अच्छे से, आपने बताया है कि आपके फादर की इतनी इनकम है, मदर की इतनी इनकम है, आपने बता दिया कि आपने 1 साल की फ़ीस पे कर दिया एंड दूसरे साल की आपने 50% भी अगर आप उसका फंड में शो कर दिया एंड आपने डॉक्यूमेंट्स में बता दिया, एक्सप्लेनेशन दे दी कि हाँ आपके पास अच्छा फाइनेंशियल, देन आपका वीज़ा आ जाएगा। अगर आपने वो चीज़ में लैक कर दिया देन वीज़ा ऑफिसर का क्वेश्चन रह जाएगा माइंड में, उसको एक्सप्लेनेशन आपकी SOP में मिलेगी नहीं, देन आपको आप खुद ही सोच ली तो उस केस में कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। अगर वीज़ा ऑफिसर के आपको फोन लगा के वीज़ा ऑफिसर नहीं पूछने वाला कि यार आप मुझे ये चीज़ एक्सप्लेन करें कि आपने ऐसा क्यों किया, अगर आपके SOP में एक्सप्लेनेशन पड़ी है उसकी देन आपको वीज़ा मिलेगा, नहीं फिर आपकी रिजेक्शन आएगी। ये बातें एक्चुअल में होती हैं चाहे वो SOP है चाहे वो नॉन SOP। चलो उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत SOP में। मैं कहूँगा कि ज़्यादा अच्छे वीज़ा चांसेस होते हैं क्योंकि उसमें एक रिक्वायरमेंट होती है, 6 ईच बैंड होने चाहिए, 1 साल की फीस होनी चाहिए, GIC बनना चाहिए एंड ये कुछ कंट्रीज़ के लिए ही है, ऑल ओवर वर्ल्ड नहीं है। नॉन SOP में आप किसी भी चाहे आपके 4 बैंड आयल्स में आप तब भी अप्लाई कर सकते हो, चाहे आपके जितने मर्जी PT या TOEFL है जितने मर्जी बैंड्स को आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो जनरल कैटेगरी है, वो रेगुलर कैटेगरी है, उसमें आप कोई भी अप्लाई कर सकता है। अगर तो उसमें आपने अच्छे ढंग से अप्लाई किया है, आपने बताया कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस इतना स्ट्रांग है, आपके अच्छे एकेडमिक है, आप इंग्लिश प्रोफेंसी अच्छे से इंप्रूव कर रहे हो, या आपने अच्छे से बताया कि आपके चाहे 1 में 5.5 आप कह रहे हो वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई कर रहे हो कि आपने आपके प्रोग्राम इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उसमें इतनी ज़्यादा इंग्लिश कॉम्प्लिकेटेड यूज़ नहीं होगी कि आपके एक मॉड्यूल में 5.5 चल जाएंगे, आपके कॉलेज ने एक्सेप्ट किया है, देन उस केस में वीज़ा आ जाता है। बट स्टिल एक एक बात का ध्यान रखना पड़ता है, सो उस केसेस में हमारा वीज़ा रिजेक्ट आ जाता है जहाँ पर हम थोड़ा बहुत लैग कर जाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि 90% वाले की रिजेक्शन आ जाती है और वहीं पे 50% वाले का वीज़ा आ जाता है, तो इसमें क्या हो गया, इसमें हम कह देते हैं लक। लक भी वहाँ पर मैटर करता है, अगर आप
बिफोर अप्लाइंग या फिर बिफोर स्टेप लेने से सोचते हो आउटकम्स कि आपने ये स्टेप लिया तो इसका क्या आउटकम होगा, आपने ये स्टेप लिया इसका क्या आउटकम होगा, इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ी है, वहाँ पर आपका लक ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। बट जब आप नहीं सोचते, ऐसे ही कंसल्टेंट के ऊपर ट्रस्ट करके उसको सारी फाइल सौंप देते हो, आप इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं करते, बिल्कुल अपनी फाइल में ट्रस्ट नहीं लेते, वहाँ पर आपको रिजेक्शन मिल जाती है। क्योंकि जिनके साथ आप डील कर रहे हो वो जॉब कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में, वो खुद फाइल नहीं लगा रहे, वो जॉब कर रहे हैं, उनकी खुद की कंपनी नहीं है। सो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। चलो मेक टू द क्वेश्चन कि 90% वाले की अप्रूवल नहीं आ रही, रिजेक्शन आ गया, एंड 50% वाले की रिजेक्शन आ गई, तो कहाँ लैक कर गया? जस्टिफिकेशन में, एक्सप्लेनेशन में। 90% वाला एक्सप्लेनेशन में लैक कर गया, उसने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, या फिर कई ऐसे होते हैं विदाउट SOP लॉन्च कर देते हैं। तो वहाँ पे देखिए, SOP ही है एक वे वीज़ा ऑफिसर से इंटरेक्ट करने का। सो उसको हम क्यों रोकें? आप फ़ोन पे बात थोड़ी करोगे, एक SOP में आप उसको सेटिस्फाई कर सकते हो, वीज़ा ऑफिसर कन्विंस कर सकते हो। आपकी SOP कितनी कन्विंसिंग है वो मैटर करती है। तो वहीं पे 90% वाला लैग कर जाता है और उसका रिजेक्ट आ रहता है। 50% वाले ने चलो बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि उसके अगर लो एकेडमिक भी हैं एंड उसने प्रोग्राम भी उसके हिसाब से ही चूज़ किया, उसके जो सब्जेक्ट्स हैं इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वहाँ पे उसके वीज़ा आने के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। ताकि वीज़ा ऑफिसर क्वेश्चन रेज करेगा कि आपके लो एकेडमिक है, देन वहाँ पे आपकी एक्सप्लेनेशन पड़ी होगी कि जो मेरा प्रोग्राम है इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसमें काफ़ी अच्छे सब्जेक्ट्स हैं बट कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जो कि आप बड़े आराम से कर पाओगे, वहाँ पर आपके वीज़ा आने के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। सो आई होप कि आपको पता लगा होगा कि इस वीडियो में आपको काफ़ी हेल्पफुल मिली होगी। अगर देखिए काफ़ी चीज़ें वो मैं इस वीडियो में इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बट स्टिल आई ट्राइड अ लॉट टू लेट यू नो काफ़ी चीज़ें जो कि नॉर्मली कंसल्टेंट नहीं बताते जो अपने क्लाइंट के साथ होते हैं। सो आप अपनी प्रोफाइल हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, उसका कोई चार्जेस नहीं है। अगर तो आपकी प्रोफाइल में नेगेटिव्स हमें दिखे, देन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि अप्लाई मत करें एंड इसको कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि टाइम और पैसा हम ख़राब नहीं करना चाहते किसी का। एंड अगर उसमें वीज़ा चांसेस अच्छे लगे हमें एंड हम कर पाए कि हाँ आपका वीज़ा आ सकते हैं, देन वी विल गो फॉर द वीज़ा एप्लीकेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कोई भी कैटेगरी के लिए, स्टडी वीज़ा, विजिटर वीज़ा, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। बाय बाय।